अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देंगे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। सालेह ने कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की पहचान खराब हो। उनसे बात की है हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने, जिसमें उन्होंने विस्तार से अपनी सोच को जाहिर किया है। Mr. Saleh, you have been a part of the resistance even earlier. You look up to Ahmad Shah Massoud, the legendary Tajik commander. How is the situation different from the first time that you were resisting the Taliban and now? His son, Ahmad Massoud, is currently in the headquarters of his father, and people are rallying around him. I am also here. We have a very united command structure. But the key in situations like this is the motivation. It's the determination of the people. And secondly, it is the organization, command and control structure. And the last is resources. The first two elements are critical, and we have it already. We are not fragmented, we are not disunited, we have a historical unity, and we all carry the legacy of our leader, and we have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. मध्य प्रदेश के इंदौर में पिटाई कांड में सियासी बोल भोपाल से दिल्ली तक सुनाई दे रहे हैं। धर्म के नाम पर पहले चूड़ी वाले की पिटाई और फिर उसके खिलाफ ही मामला दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल यही कि भीड़ को किसने इंसाफ करने का हक दिया। अब कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सब शिवराज सरकार को इंसाफ का पाठ पढ़ा रहे। अफगानिस्तान से 5582 किलोमीटर दूर जगह मध्य प्रदेश का इंदौर। सवाल है, क्या जिसकी लाठी उसका कानून? इंदौर से वायरल हुआ ये वीडियो आपने जरूर पिछले 36 घंटे में कहीं देखा सुना होगा। जिसमें एक शख्स हाथ जोड़े जमीन पर भीड़ के सामने बैठा दिखता है। दावा है कि ये चूड़ी बेचने वाला है। पीले कुर्ते वाला ये आदमी, इसके साथ नारंगी शर्ट वाला शख्स दिखता है। आरोप है ये भीड़ को इस चूड़ी बेचने आए शख्स को पीटने के लिए उकसाने वाला है। करीब 2 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में चूड़ी बेचने आए शख्स को पकड़कर झुंड बनाकर भीड़ पीटती है, घसीटती है। इंदौर के गोविंद नगर इलाके में पीटने वाले शख्स का आरोप है कि उसको पीटने की वजह उसका धर्म है। कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो? हमने कहा हम सब मुसलमान है। बस जैसे नाम बताए वैसे सर और ज्यादा मारने लगे, फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। इंदौर अपने स्वास्थ्य, सेवा, संस्कृति और स्वच्छता के लिए मशहूर है, लेकिन उसी इंदौर में पहले चूड़ी बेचने आए शख्स का बैग खाली करा के उसे लुटवाया जाता है। किसी भी हिंदू क्षेत्र में हिम्मत जाना। और फिर वायरल वीडियो के मुताबिक कुछ ही देर में पीले कुर्ते वाला शख्स और फिर नारंगी वाला, बाद में भीड़ इस चूड़ी वाले को पीट देती है। इंदौर में चूड़ी वाले का दावा है कि धर्म के नाम पर भीड़ तंत्र बनाकर पीट दिया गया। और भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की दलील अलग आती है। चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर
जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। जो प्रशासन ने मुझे जानकारी दी, बेटी को चूड़ी पहनाते हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी दो निकले, ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था। और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। रिएक्शन पर मत जाइए, आप एक्शन पर जाइए कि व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने और आपने तो नाम नहीं बदला अपना। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस देश की दिक्कत ये आ गई है कि हम रिएक्शन जो हुआ उस वो सही है गलत है उस पर बाद में चर्चा करिए, पर सबसे पहले जो एक्शन हुआ है उस व्यक्ति ने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो अब आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मंत्रियों के मुताबिक क्या चूड़ी वाले को किसी लड़की या महिला को चूड़ी पहनाते वक्त भ्रम की स्थिति यानी छेड़खानी के आरोप में पीटा गया? क्या ये सच है कि भीड़ ने चूड़ी वाले को अपना नाम और धर्म छिपाने पर पीटा? क्या चूड़ी वाले ने किसी गलत मकसद से अपना नाम और धर्म छिपाया था? और अगर ये दावे मंत्रियों के सच्चे नहीं तो क्या भीड़ ने माहौल को बिगाड़ते हुए सिर्फ धर्म के आधार पर एक शख्स को भीड़ बनाकर लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को जन्म देकर पीट दिया? इस सवाल का जवाब तो 150 सेकंड के उस वायरल वीडियो को देखने से पहले ही मिल सकता था, जिसे देखकर ये समझा जा सकता है कि भीड़ आईडी कार्ड मांगने के नाम पर या फिर छेड़खानी की शिकायत पर पिटाई की बात करती है, या फिर भीड़ का मकसद सिर्फ धर्म के नाम पर पीटने का ही था। इस वायरल वीडियो को शुरू से देखने पर सबसे पहले पीले कुर्ते वाला मारता नजर आता है, फिर नारंगी कपड़ा पहने ये शख्स भी पीटता है, फिर कई लोग पीटते हैं, लेकिन आई कार्ड मांगने की बात वीडियो में 1:22 के बाद आती है, जिसमें काली शर्ट वाला शख्स कहता है, इसके बाद लोग पीटते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आकर सुनाई पड़ता है। इस वीडियो को देखने पर ही ये पता लग जाता है कि आरोपी पीटने का काम पहले शुरू करते हैं और आई कार्ड बाद में मांगते हैं। तो क्या आईडी कार्ड सही ना दिखाने पर पीटने का जो दावा मंत्री कर रहे हैं उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है? इस सवाल की वजह है इंदौर के आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा का बयान, जो कहते हैं कि पिटने वाले तस्लीम के पास बाद में जांच के दौरान 3 आईडी में कुछ अंतर मिले हैं। इस बयान को सुनकर आप समझ पाएंगे कि पहले ही भीड़ ने आईडी कार्ड तस्लीम का नहीं देखा था। इसमें और तथ्य सामने आया कि फरियादी के भी पास जो परिचय पत्र मिला उसमें 3 अलग-अलग परिचय पत्रों में उसमें भिन्नता पाई गई। उसमें मुख्य तौर पर उसमें जो पहचान से संबंधित जो कई तथ्य हैं उसमें अलग अलग हैं। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। सवाल सीधा सा ये है कि जब आईजी इंदौर तस्लीम के पहचान पत्रों में अंतर की बात पर जांच की बात ही कह रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्यों तस्लीम के पहचान पत्र को मुद्दा मानते हैं, न कि भीड़ तंत्र के जन्म और भीड़ के हाथों युवक की पिटाई को? लड़के पे कार्रवाई, जो पिटा है उस पे कार्रवाई, जो पीड़ित है। पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड दो दो मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस देश की दिक्कत ये आ गई है कि हम रिएक्शन जो हुआ उस वो सही है गलत है उस पर बाद में चर्चा करिए, पर सबसे पहले जो एक्शन हुआ है उस व्यक्ति ने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? मतलब जिसे भीड़ पीट देगी उस पर मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक सही है या गलत इस पर भी चर्चा बाद में होगी, जबकि इंदौर का भीड़ तंत्र इस तरह पीटना चाहता था कि युवक के शरीर पर निशान तक ना आए। इंदौर में भीड़ तंत्र ऐसे पीटना चाहता था जिसमें पीटने वालों के चेहरे ना दिखें।
चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। अफसोस की बात है कि नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन अपना धर्म की तख्तियां अब लटका के धंधा करेगा कि मैं इस धर्म का हूं, ये धंधा बेच रहा हूं, ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इंदौर में जो हुआ, पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की। 3 में से 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसे भीड़ तंत्र को रोकना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक पक्ष अगर अफगानिस्तान की तरह खुद को ही सत्ता मानकर अपने हिसाब से कानून बनाकर गली मोहल्ले में भीड़ तंत्र को स्थापित करेगा तो उसी आधार पर दूसरा पक्ष भी भीड़ बनकर जुट जाएगा, जिसे संभालने के लिए पुलिस को रोड पर मार्च करना पड़ता है। ऐसे में जितना जरूरी है भीड़ को पीटने के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई की जाए, जितना जरूरी है कि शहर में इसके बाद भीड़ को जुटाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, उतनी आवश्यकता है सरकार में अहम पदों पर बैठने वाले अपनी जिम्मेदारी समझे, ना कि धर्म को राजनीति का औजार बनने की खुली छूट दें। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। नासिक से शुरुआत करेंगे खबरों की। यहाँ के बीजेपी दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। आपको ये बता दें कि शिवसेना के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे के आपत्तिजनक बयान से खफा है। राणे के खिलाफ पुणे के चतुरशृंगी थाने में युवा सेना की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। राणे के खिलाफ IPC की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश दिया है और इसके लिए DCP बारकुंड की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है। नासिक पुलिस की टीम राणे को गिरफ्तार करने रत्नागिरी के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, शीशे तोड़ दिए। ये हंगामा दरअसल नारायण राणे के खिलाफ है। गुस्सा इन कार्यकर्ताओं का इस कदर फूटा। हमारे संवाददाता दिव्येश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, जो बयान नारायण राणे ने दिया, अपने आप में वो बयान भी बड़ा अजीब था और बहुत ही विवादित वो बयान है, और कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर के शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उनका ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, क्योंकि नारायण राणे का जो बयान उन्होंने जो कल दिया था रायगढ़ जिले में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, उसी विवादित बयान को प्रोटेस्ट करते हुए शिवसेना के जो सपोर्टर्स हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुल अब तक 4 FIR इस मामले में दर्ज हो चुकी है। एक नासिक में दर्ज हुई है, एक पुणे में दर्ज हुई है और 2 रायगढ़ जिले के महाड़ इलाके में 2 FIR दर्ज हुई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने ये आदेश भी जारी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नारायण राणे को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, जिसके लिए हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया है कि एक टीम नासिक से चिपलुन रत्नागिरी के लिए रवाना हो गई है, जहां पर इस वक्त नारायण राणे मौजूद है। उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक टीम नासिक पुलिस की रवाना हो चुकी है। नासिक के साइबर थाने में एक कंप्लेंट नारायण राणे के विवादित बयान को लेकर भी दर्ज हुई थी। कुल अब तक 4 FIR दर्ज हुई है। नारायण राणे के जो सपोर्टर्स हैं वो भी उनके घर के पास काफी मात्रा में जुटे हुए हैं, मुंबई के जुहू इलाके में और अन्य बहुत सारी जगहों पर। शिवसेना के कार्यकर्ता भी नारायण राणे के इस विवादित बयान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं नासिक से और अलग अलग जगहों से जो आ रही है, हम देख रहे हैं कि काफी आक्रोशित हैं यहाँ पर शिवसैनिक और लगातार पत्थरबाजी वहां पर कर रहे हैं। क्या अभी भी वहां पर ऐसी ही तस्वीरें हैं या फिर क्या पुलिस वगैरह वहां पर आ गई है? जी, आपको बता दें कि पुलिस ने अपना बंदोबस्त सारी जगह पर लगा दिया है, पर शिवसेना के कार्यकर्ता अभी भी जगह पर मौजूद है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के कार्यकर्ता काफी मात्रा में इन जगहों पर मौजूद हैं और अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी धरना दे रहे हैं। कुछ जगहों पर पथराव की भी खबरें आई हैं और इसी को कंट्रोल करने की पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है। पुलिस ने काफी बंदोबस्त वहां पर लगाया है, पुणे में, नासिक में और अन्य इलाकों में भी पुलिस बंदोबस्त लगाया जा चुका है।
नारायण माने की मुंबई स्थित जुहू इलाके के घर के पास भी काफी मात्रा में पुलिस मौजूद है ताकि वहां पर भी किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नारायण राणे ने क्या कोई बयान दिया है अपने बचाव में? जी आपको बता दें, नारायण राणे अभी थोड़ी देर पहले सुप्रोन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी इस तरीके का विवादित बयान नहीं दिया, कोई भी आक्षेपार बयान नहीं दिया, पर उनका ये कहना था कि वो नहीं जानते कि शिवसेना कौन है और जो भी है वो अगर सरकार उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके का कोई एक्शन लेती है तो केंद्र में भी उनकी सरकार है वो भी एक्शन लेगी। और इसी तरीके से वो अपने आप को उन्होंने ये सफाई भी है कि किसी भी तरीके का कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया, ऐसा नारायण राणे का कहना। बिल्कुल, अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी कहा है कि नारायण राणे जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लीडरशिप है उसे इंप्रेस करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं राणे। नारायण राणे ने जब मुंबई वो लौटे, जब उन्हें यूनियन मिनिस्टर बनाया गया उसके बाद जब वो मुंबई लौटे उसके बाद उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, मुंबई से ही उसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी FIR दर्ज की गई। मुंबई के अन्य अन्य इलाकों में कोविड नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने की वजह से, भीड़ जुटाने की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत सारी FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद नारायण राणे वसई विरार गए। वसई विरार में उन्होंने फिर एक बयान दिया कि एकनाथ शिंदे जो कि एक वरिष्ठ लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो अब शिवसेना से परेशान हो गए हैं, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लें, इस तरीके का भी बयान उन्होंने दिया था, जिसकी सफाई एकनाथ शिंदे ने एक दिन बाद दी। उसके बाद वो रायगढ़ गए जहाँ पर कल उन्होंने ये विवादित बयान दिया जिसमें जिसको देखते हुए शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक हो गए हैं और इस तरीके की धरनेबाजी चल रही है, इस तरीके का पथराव भी देखा जा रहा है कि पुणे और नासिक इलाके में हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच इस विवाद को लेकर नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर दिवेश, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नारायण राणे 1960 के दशक में उन्होंने बाल ठाकरे के साथ ही अपने एक तरह से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और उसके बाद शिवसेना के टिकट से पहली बार विधायक भी वो बने थे 1990 में। अब ऐसे में अब जाकर और वो भी इस तरह का बयान देना, वाकई जो विवादित बयान उन्होंने दिया है वो अपने आप में बड़ा अजीब है। उसको भी लेकर कोई तथ्य नहीं है कहाँ पे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि, और इस बीच अब ये तस्वीरें आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, दरअसल शिव सैनिक जो है वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और बीजेपी के अलग अलग दफ्तरों में तो तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको हमने दिखाई ही, ये मुंबई की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये झंडा पोस्टर बैनर लेकर ये पहुंच गए हैं और साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 3 FIR पहले ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर दर्ज हो चुके हैं और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ शिव सैनिक अब उत्पात मचा रहे हैं। लगातार नारायण राणे को लेकर उनके खिलाफ जो है नारेबाजी भी हो रही है और यहाँ शिव सैनिक को, हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और पुलिस उन्हें वहां से हटाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन शिव सैनिक काफी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि जिस तरह का बयान दिया है नारायण राणे ने वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए और FIR तो हो चुकी है, इसलिए गिरफ्तारी की भी मांग अब कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि नारायण राणे के आवास के पास पुलिस प्रोटेक्शन भी बढ़ा दिया गया है। इसी बात को लेकर अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने एक विवादित बयान दिया था। दिवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दिवेश, ये तस्वीरें कहाँ की है? अब हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में शिव सैनिक निकले हुए हैं, पोस्टर बैनर झंडे लिए हुए। जी, मुंबई में अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं, नारायण राणे के घर के पास पहुंच चुके हैं,
और इसके अलावा दादर में भी बहुत सारी जगह पर पोस्टर लगाए गए थे नारायण राणे के खिलाफ। जुहू में जहां पर नारायण राणे का घर है वहां पर शुरुआत में नारायण राणे के जो समर्थक हैं वो पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त वहां पर लगाया गया और थोड़ी देर पहले वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं काफी मात्रा में। तो पुलिस ने वहां पर काफी बंदोबस्त लगाया हुआ है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर ना बने, किसी भी तरीके का कोई धरनेबाजी वहां पर ना हो, किसी भी तरीके की कोई पथराव ना हो। इस वजह से पुलिस ने पहले ही वहां पर उस इलाके में बंदोबस्त लगा दिया है। वरिष्ठ अधिकारी जो है पुलिस महकमे के वो पहुंच चुके हैं स्पॉट पर, वो किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित हैं नारायण राणे के इस विवादित बयान को लेकर और वो उनके अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो उन्हें हिरासत में लेने की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केसेस जब नारायण राणे पर दर्ज हो चुके हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए, इनके विवादित बयान जो उन्होंने दिया है इस वजह से उन्हें हिरासत में ले लेना चाहिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन है वो तुरंत लेनी चाहिए, ये मांग शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर भाजपा के जो समर्थक है, नारायण राणे के जो समर्थक है, वो भी काफी मात्रा में है। अब आमने सामने आ चुके हैं लोग, शिवसेना के समर्थक और भाजपा के समर्थक, नारायण राणे के समर्थक। वहां पुलिस किसी तरीके से सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और नारेबाजी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी वहां पर बन जाए, पर अभी पुलिस ने काफी देर से सिचुएशन को यहां पर मेंटेन किया हुआ है। अभी तक किसी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कंप्लेंट इस तरह से नहीं आई है, पर यहां पर काफी मात्रा में दोनों ही गुटों के लोग, दोनों ही पार्टी के समर्थक जुट चुके हैं, पहुंच चुके हैं। देखिए देवेश, मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि जाहिर तौर पर शिवसैनिक ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं और यहां तो मामला सीएम को लेकर है। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी के साथ साझा सरकार में थी शिवसेना, तब सुर एक थे, आज सुर अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता नारायण राणे के सपोर्ट में बोला हो। थोड़ी देर में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो शायद कुछ देर में बात करें, वो शायद कुछ देर इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ सकता है नारायण राणे के फेवर में, नारायण राणे की तरफ से, और उसी स्टेटमेंट का हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा किसी भी नेता की तरफ से आया नहीं है। करीब 1 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस अपना स्टेटमेंट इश्यू कर सकते हैं। ये जो अलग अलग जगहों पर दरअसल दिवेश एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये किसकी तरफ से? जाहिर तौर पर शिवसेना ने दर्ज कराई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने का अलग अलग जगहों पर क्या मकसद है? जी आपको बता दें, जैसे नासिक में साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, पुणे में चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, हर जगह पर जो शिवसेना के समर्थक है उन्होंने ये मामले दर्ज करवाए हैं। और उसी को देखते हुए महाड़ में भी, जहां जो कि रायगढ़ जिले में है, वहां पर भी 2 एफआईआर नारायण राणे के खिलाफ 2 अलग अलग कंप्लेंट में दर्ज कराई है। दोनों ही कहा जा रहा है कि शिवसेना समर्थक है और उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। तो कुल अभी तक 4 एफआईआर इस विवादित बयान को लेकर नारायण राणे के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। और उसी को देखते हुए नासिक के जो पुलिस कमिश्नर हैं दीपक पांडे, उन्होंने ये ऑर्डर भी जारी किया है कि जल्द से जल्द नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, कोई भी रायट्स ना हो किसी भी। दिवेश आपकी आवाज कट रही, लौटेंगे आपके पास। 2 तस्वीरें दिखा देते हैं बेहद अहम, क्योंकि जो ये विवाद है दरअसल अब दूर तलक जाएगा क्योंकि नारायण राणे ने ये विवादित बयान दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और ऐसे में नवाब मलिक अब ये कह रहे हैं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, उचित कानूनी कार्रवाई नारायण राणे के खिलाफ की जानी चाहिए। भाषण के दौरान पीछे मुड़कर उन्होंने सहयोगी से पूछा था
ये तमाम वो बातें हम आपको दिखा रहे हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। मैं वहां होता तो कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारता, ये कहा था नारायण राणे ने। मैंने कोट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि आजादी के कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान उन्होंने अपने सहयोगी से ये बात कही। दरअसल आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यही बात हुई थी और इसी बात को लेकर इतना बड़ा ये विवाद अब हो गया है। चार चार FIR हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने यही कहा कि भाषण एक दे रहे थे उद्धव ठाकरे और उसी दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा था अपने सहयोगी से कि आखिर आजादी हमें कब मिली है, तो अगर उस वक्त मैं वहां पर खड़ा होता तो उनके कान के नीचे एक थप्पड़ मारता, यह बयान दिया है नारायण राणे ने। और इसी बयान को, इसी विवादित बयान को लेकर यह पूरा बवाल है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको हम नासिक के बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको हम मुंबई की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त शिव सैनिक काफी आक्रोशित है। और नासिक में देख सकते हैं आप किस तरह से नारेबाजी के साथ साथ बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी भी वो कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और मुंबई में किसी एक इलाके में नहीं, कई इलाकों में वो नारेबाजी कर रहे हैं और नारायण राणे को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं।